और जहां जहां पाकिस्तानी है उनके लिए ये खबर है, पाकिस्तान इज गोइंग टू गो इन टू अ डार्क एज, हम पत्थरों के जमाने में जा रहे हैं, यकीन कीजिए। जापान के अंदर एक पॉलिसी बनाई गई कि हमें ये कॉकरोच नहीं चाहिए, कि जापान ने भी हमें रास्ता दिखा दिया इन जिहादियों का इलाज कैसे किया जाए। इसलिए कभी भी आपने ताइवान, साउथ कोरिया, जापान में इनकी हरकतें सुनी नहीं होगी। दुनिया के लिए आप एक लाइबिलिटी बन चुके हैं, क्योंकि दहशतगर्दी, पिछले साल 264 हमले आपके पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। हमेशा लड़ाई झगड़ा भूखा बंदा करता है। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि मैं भी पाकिस्तानी हूं, उसी मुल्क से आया हूं। और यही रीजन है कि जापान का जो पासपोर्ट है दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट है, क्योंकि वहां के जो नागरिक हैं वो कोई भी जाकर बॉम्ब नहीं फेंकता, चाकू नहीं चलाता। और आपने कभी भी सुना नहीं होगा कि इन कंट्रीज में इलीगली को चला गया। चीजें बड़ी स्ट्रिक्ट है, हमसे वो किनारा करना चाहते हैं, हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये मेंटेलिटी है, आपकी मेंटेलिटी ये है कि या मैं जो मैं कहता हूँ वो मान लो या मरने के लिए रेडी हो जाए, तो फिर कौन आपको साथ बिठाएगा। वो ये कहते हैं कि हम मुस्लिम्स को किस तरह अलाउ करें कि यहाँ पर शरिया लो, और उसके अलावा भी मुस्लिम्स जो हैं वहाँ पर रोड्स वगैरह पे नमाज पढ़े हैं या इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो क्रिश्चियन इन चीजों को पसंद नहीं कर रहे, और अब जो है मुस्लिम्स को बैन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर अब पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि तश्वीश दिखाई देती है। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये भूख नंग हमारी पहचान है बरसगीर की। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी ऐसी खबरें आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि दुनिया के कई देशों से जो इमिग्रेंट्स हैं, खासतौर के जो पाकिस्तानी जिनका माइंडसेट है यानी पाकिस्तानी सोच, उनको न सिर्फ वहाँ से भगाया जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह की पाबंदियाँ लगाई जा रही है, बल्कि अब उनको उन देशों में आने पर भी कई तरह की शर्ती पाबंदियाँ लगाई जा रही है। और यह सब इस समय ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले तो इन देशों ने इमिग्रेंट्स को अपने यहाँ आने दिया और उसकी वजह थी कि उनको लेबर फोर्स चाहिए था। इसके बाद इमिग्रेंट्स उन यूरोपियन देशों के अंदर भारी मात्रा में गए, लेकिन उन जाने वाले इमिग्रेंट्स के अंदर बड़ी संख्या के अंदर मुस्लिमों की थी, और फिर वही हुआ जो कि हमेशा से इस पर्टिकुलर धर्म के लोग करते आए हैं, जिसके फलस्वरूप अब उन यूरोपियन देशों के अंदर इसमें काफ़ी महासंग्राम चला हुआ है, घमसान मचा हुआ है, क्योंकि वो जो यूरोपियन देश के जो लोग ओरिजिनल लोग हैं, इन पाकिस्तानी सोच रखने वालों की जो माइंडसेट है उसको देख करके, सुन करके और उसको सह करके इतने तंग हो चुके हैं कि अब बाकायदा उन देशों से इन पाकिस्तानी माइंडसेट को भगाने की बात हो रही है। वहीं पर जापान को भी इमिग्रेंट चाहिए था, लेकिन उसने काफ़ी सूझबूझ करके इमिग्रेंट्स के ऊपर कंट्रोल करके रखा। जापान के अंदर एक पॉलिसी बनाई गई थी 1990 में कि हमें ये कॉकरोच नहीं चाहिए, और 34-35 साल लग गए उन्होंने इन कॉकरोचों को अपने देश में आने नहीं दिया। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि एक तो इन्होंने जाकर कंट्री को गंद नहीं डाला, और यही रीज़न है कि जापान का जो पासपोर्ट है दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है, क्योंकि वहाँ के जो नागरिक हैं वो पीसफुल रहना पसंद करते हैं, कोई भी जाकर बॉम्ब नहीं फेंकता, चाकू नहीं चलाता। इसलिए 190 से ज़्यादा कंट्रियाँ दुनिया की ऐसी हैं जहाँ पर जापानीज को वीज़ा भी लेना नहीं पड़ता, जबकि भारत को दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पर वीज़ा ना लेना पड़े। क्यों वीज़ा लेना इसलिए पड़ता है? क्योंकि उनमें कहीं जिहादी ना आ जाए, उनको डर लगा लेता है। जापान ने एक बड़ी ही खूबसूरती से एक पॉलिसी बनाई कि कोई भी आदमी अगर वो जापान में आएगा, जिसको हम कहते हैं कि फॉरेन वर्कर्स अगर रिक्रूट किए जाएंगे जापान के अंदर, तो उन्हें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू जाना पड़ेगा, यानी कि पढ़ा लिखा आदमी ही आएगा। अब इनकी जो काम है उसमें पढ़ने लिखने की तो आपको मालूम है, जापान को मालूम था कि इन जिहादियों को रोकने का तरीका एक ही है कि वहाँ पे बोल दो कि भाई पढ़े लिखे आदमी आएंगे, उनका पहले टेस्ट लिया जाएगा। अब टेस्ट लेने में भी फेल हो जाएंगे, परमानेंट रेजिडेंसी का तो मतलब ही नहीं है जापान में इन कॉकरोचों को कभी मिल जाए। बड़ा ही रेयर होता है कोई पढ़ा लिखा, कोई गलती से पढ़ा लिखा तो उसे कोई जॉब मिल जाती है, वरना इम्पॉसिबल है जापान में। इसलिए जो जापान है उन्होंने अपनी कंट्री को एक खूबसूरती से एक ये क्लॉज डालकर उन्होंने अपनी कंट्री को बचा लिया। अब वहाँ पर दोबारा से मुहिम शुरू हो गई है कि इमिग्रेंट्स को बुलाया जाए, लेकिन उन्होंने ये साथ में एक क्लॉज दोबारा से डाल दिया है। पहला तो ये कि जो पहले पॉलिसी थी कि जो आएंगे यहाँ पर उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद कंट्री डिसाइड करेगी कि आपको रेजिडेंसी देनी है या नहीं देनी। अब ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जापान की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। दोस्तों, एक तो ये चीज़ है जो जापान ने बड़ी ही खूबसूरती से किया, हमें सिर्फ
हाईली स्किल्ड लोग चाहिए, अगर अनस्किल्ड भी आएगा तो वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए जिसके थोड़ी सी दिमाग हो। एक काम और किया, अगर किसी ने जापान में आकर अपने टैक्सेस को पे नहीं किया, जो कलेक्टिव इनकी सोशल सिक्योरिटी होती है उसके ऊपर इन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, उसे परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती है, जॉब से भी हाथ धोने पड़ते हैं। कि जापान ने भी हमें रास्ता दिखा दिया, जिस तरह से इसराइल ने और चाइना ने हमें रास्ता दिखाया है इन जिहादियों का इलाज कैसे किया जाए, सिवाय जिहाद के ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसलिए ये पॉलिसीज को बनाया जा रहा है। ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, इन्होंने बड़ा ही क्लियर एक लाइन बनाई हुई है, इसलिए कभी भी आपने ताइवान, साउथ कोरिया, जापान में इनकी हरकतें सुनी नहीं होंगी, क्यों? वहां पर जो लॉज हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं इमिग्रेशन को लेकर, और आपने कभी भी सुना नहीं होगा कि इन कंट्रीज में इलीगली को चला गया। चीजें बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, ना चाइना में कोई आता है, इतना बड़ा बॉर्डर है, 18 कंट्रियां लगती हैं, एक भी आदमी आपको इलीगल चाइना के अंदर घुसता हुआ आपको दिखाई नहीं देता, कहीं भी फेंसिंग नहीं है पूरे चाइना के बॉर्डर के ऊपर, लेकिन एक भी जिहादी वहां पर घुसने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा क्या चक्कर है ये सारे भारत में चारों तरफ से आने की कोशिश करते हैं और सफल भी हो जाते हैं, ये इन कंट्रीज में आने की हिम्मत क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पे लॉस स्ट्रिक्ट है। अच्छा, पाकिस्तान, जो लोग पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं, जहां जहां पाकिस्तानी है उनके लिए ये खबर है, पाकिस्तान इज गोइंग टू गो इन टू अ डार्क एज, हम पत्थरों के जमाने में जा रहे हैं। यकीन कीजिए, अगर हमें यह लगता था कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत पाकिस्तान का बुरा चाहता है, तो यकीन कीजिए भारत कुछ भी ना करे तो हम खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी बार बार मार रहे हैं, और अब की बार हमने कुल्हाड़ी नहीं मारी, हमने सीधा कुल्हाड़ा मारा है और पांव ही काट दिया। इसकी वजह क्या है, ये कैसे होगा दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त, पता नहीं आप लोग मेरी YouTube वीडियोस कैसे देख लेते हैं, मैं पता नहीं कैसे मैं बना छोड़ता हूँ, इंटरनेट नहीं है और यहाँ पे इंटरनेट आएगा भी नहीं। एक बात याद रखिए, फायर वॉल ये जो लग गई है, इसका मतलब ये है कि आपके WhatsApp मैसेज से लेके आपके बैंक अकाउंट के पासवर्ड तक एक एक चीज आपकी हुकूमत को पता होगी। फायर वॉल क्या करेगी, उस कोड को रस्ते में रोकेगी, उसको वापस मैसेज में कन्वर्ट करेगी, फिर हुकूमत का जो एक सिस्टम एल्गोरिदम बना होगा वो उसको पढ़ेगी कि क्या लिखा है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हुकूमत मुखालिफ है, रियासत मुखालिफ है या इनके मिजाज के मुनाफी, उसको अगर वो होगी तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, जाके उस बंदे को उठा लिया जाएगा। ये है फायरवॉल। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, आपके बैंकों के पासवर्ड तक जो है वो अनसेफ हो चुके होंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि आपका जो इंटरनेट है वो बेमजीद बैठ जाएगा। पहले ही आपके मुल्क के अंदर जो फ्रीलांसर्स थे उनका काम ठप हो गया है। आपका मुल्क इंडिया में 200 अरब डॉलर्स की इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है, आपके इंटरनेट ही नहीं है, आप कर लें मुकाबला और फिर आप ही की काम कर सकते हैं, अच्छी तरह आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है।